दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक इंटेक्स का फ़ोन है, इंटेक्स एक्वा सेल्फी, और इसमें FRP है। FRP आपको दिखाएंगे और इसकी FRP जस्ट वन क्लिक में आपको फास्ट बूट मोड पे हटाएंगे इसकी। अब आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखें, जितना समय दोस्तों इसमें लगेगा एक क्लिक करने में, बस उतना ही समय इसको FRP हटाने में लगेगा दोस्तों। तो अब मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ कि इसमें FRP लगी है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गेट स्टार्ट, स्किप, और यहाँ पे देखिए स्किप का बटन नहीं आ रहा दोस्तों, मतलब ये FRP पे लगा हुआ है। और ये देखिए स्किप का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, मतलब कि ये FRP पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही फ़ोन है और इसे जस्ट वन क्लिक में फास्ट बूट मोड पे हम इसको FRP हटाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वही फ़ोन है, इंटेक्स एक्वा सेल्फी, और इसकी FRP वन क्लिक में हम हटाएंगे, वही सेट है। अब इसको फास्ट बूट मोड पे कैसे ले जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं एक अपडेट और बता दूं आपको इसको फास्ट बूट मोड में ले जाने के लिए। जैसा कि आप ये फ़ोन देख रहे हैं, रिकवरी मोड में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिबूट टू बूट लोडर लिखा हुआ है, रिबूट टू बूट लोडर लिखा हुआ है। आप रिबूट टू बूट लोडर में इंटर करेंगे और आपका ये फ़ोन फास्ट बूट मोड पर चला जाएगा। हमने रिबूट टू बूट लोडर कर दिया है यहाँ पे। ये फास्ट बूट मोड में लाने का प्रोसेस था दोस्तों, मैं आपको इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, आप हमारे चैनल में बने रहें जिससे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फास्ट बूट मोड आ गया दोस्तों। छोटी से छोटी ट्रिक सभी को नहीं पता होती है, इसीलिए मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ वीडियो लास्ट तक देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ़ोन फास्ट बूट मोड पर आ चुका है। अब इसको हम अपने PC से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, पहले मैंने फ़ोन को दिखाया, फ़ोन को दिखाने के बाद अब उसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा फास्ट बूट में कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस, मतलब फास्ट बूट में हमारा ये कनेक्ट फ़ोन हो चुका है इजली। अब इसको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने इसको फास्ट बूट मोड पर कैसे ले आते हैं ये भी आपको दिखाया। फास्ट बूट लोडर लाने के लिए आपको रिकवरी में जाना है, रिकवरी में जाने के बाद रिबूट टू बूट लोडर करना है, तो आपका फास्ट बूट इंटरफेस बना लेगा। तो हम एक टूल के माध्यम से इसको वन क्लिक में इसके FRP हम रिमूव करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक टूल खुल गया यहाँ पे, एंड्रॉयड फास्ट बूट रिसेट का खुल गया है। तो हम पहले तो चेक करेंगे कि हमारा वो फास्ट बूट इंटरफेस बनाया है कि नहीं बनाया। तो वन क्लिक करके हम इंटर दबाएंगे और देखेंगे कि हमारा ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, 9 SPD FRP, तो हम 9 प्रेस करेंगे और इसकी जस्ट जैसे ही 9 प्रेस करेंगे और इसके FRP वन क्लिक में रिमूव हो जाएगी और फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने उसको प्रेस किया और फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, मैं अपने उसमें दिखाऊंगा। जैसे हमने वहाँ पे उसको दबाया रिस्टार्ट, जैसे ही वन क्लिक किया फ़ोन अपने आप रिबूट हो गया वन क्लिक, क्योंकि जितना ही बस इंटर लगा मुझे दबाने में दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितना वक्त लगा बस, अब ये देखिए डाटा केबल से कनेक्ट ही है फ़ोन वन क्लिक में। जैसे ही उसको आपने इंटर दबाया, उसके FRP वन क्लिक में रिमूव हो गए दोस्तों, ये टूल के माध्यम से। आप जो देख रहे हैं एंड्रॉयड फास्ट बूट सेट, हम जाएंगे, डाटा केबल लगा ही हुआ है, क्योंकि जैसे वन क्लिक हमने 9 दबाया, 9 प्रेस किया, वहाँ पे वन क्लिक में आ गया। स्किप किया हमने, अब स्टार्टअप सेटअप पे जाएंगे, नीचे आएंगे, ये देखिए दोस्तों, डोंट यूज़ एनी नेटवर्क सेटअप, मतलब हमारा ये FRP चुटकी में वन क्लिक में रिमूव हो गया है। और अगर अच्छे से आपको जानना है इसके बारे में, तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे हमेशा। ये देखिए हमारी इजली में दोस्तों वन क्लिक चुटकी में, जो कहते हैं FRP, जो हमारे ऐसे टेलीकॉम में चुटकी में FRP सिखाई जाती है, मतलब एक FRP जो कि वन क्लिक। ये वीडियो इसीलिए हम लास्ट तक आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। हमें इसे इंस्टॉल नहीं करना है, फिनिश कर देंगे। तो जैसा देख सकते हैं दोस्तों, ये फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है, जो कि वन क्लिक में इसकी FRP ये वही सेट था। हमने डाटा केबल तक अभी रिमूव नहीं किया, क्योंकि जैसे हमने 9 प्रेस किया,
इसकी इजीली वन क्लिक में FRP हट गई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।